तो ओके, आज का वीडियो पर मैं आपको जो टॉप 3 ट्रिक बताऊंगा, इनको यूज करके आप हर एक गन से हेडशॉट मार सकते हो, बट इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ओके, आप लोग नॉर्मली कैसे फायर करते हो? पहले एनिमी को देखते हो और उसके बाद फायर या रोटेशन ड्रैग करते हो, बट यहाँ पर आप एक गलती करते हो। तो देखो, हेडशॉट मारने के लिए एम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हम हर टाइम एम के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गेम प्ले के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग हर टाइम एम को एनिमी के लेफ्ट साइड रखने का ट्राई करो और थोड़ा नीचे रखने का ट्राई करो, और आपको कभी भी डायरेक्ट फायर नहीं करना है। पहले जॉयस्टिक से एम को एडजस्ट करो और फायर करने से पहले जॉयस्टिक को छोड़ो, मैं जैसे कर रहा हूँ ठीक वैसे। तो ऐसे करके देखना, आपका पहले से ज्यादा हेडशॉट लगेगा। तो अभी बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 के बारे में। तो ओके, आप लोग जिस टाइम हेडशॉट प्लेयर या बड़े यूट्यूबर का गेम प्ले देखते हो, तब आप लोग एक चीज नोटिस करना, वह लोग हमेशा स्विचिंग टेक्निक का यूज करते हैं। तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो, स्विचिंग करने से हेडशॉट लगने का चांसेस ज्यादा होता है और साथ में आपका ओवर ड्रैग कंट्रोल होता है, और मूवमेंट का बात तो मत ही करो, आपका मूवमेंट गॉड लेवल हो जाता है। और सिर्फ इतना नहीं, और बहुत सारा चीज होता है जैसे रिकॉइल कंट्रोल वगैरह वगैरह। तो देखो, इसको यूज करना एकदम सिंपल है, बट आप लोग नहीं करते हो तो भाई करो, क्योंकि मैं भी करता हूँ। तो पहले पहले टाइम आपको प्रॉब्लम होगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप परफेक्ट हो जाओगे। तो देखो, सबसे पहले अगर आप एक टू फिंगर प्लेयर हो तो क्विक वेपन स्विच को आप लोग यहाँ पर रख सकते हो, और अगर आपको यहाँ पर रखने से प्रॉब्लम होता है तो अपने हिसाब से रख देना। और अगर आप एक थ्री फिंगर प्लेयर हो तो भाई आंख बंद करके यहाँ पर रख दो, और आप चाहो तो दूसरे जगह पर भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी बात करते हैं आपको इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले जॉयस्टिक से एम को एडजस्ट करो, उसके बाद फायर करो या ड्रैग करो, और यहाँ तक ड्रैग करने के बाद क्विक वेपन स्विच पर प्रेस करो, उसके बाद तुरंत रनिंग बटन पर प्रेस करो, आपका इजीली हेडशॉट लग जाएगा। और यह प्रोसेस आपको बार बार करना है परफेक्ट होने तक। तो अभी बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 के बारे में। तो आप लोग जैसे एनिमी को देखते हो तो सीधा फायर कर देते हो, और उसके बाद एनिमी आपको मार देता है। तो आपको कभी भी ऐसे सीधा फायर नहीं करना है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, मेरे सामने एक एनिमी है और वह भी मुझे मारने का ट्राई कर रहा है, और मैं भी उसको मारने का ट्राई कर रहा हूँ, बट मैं सीधा निकलकर फायर नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। तो देखो, पहले मैं यहाँ से निकला और मुझे पता है एनिमी फायर करेगा, इसलिए मैंने तुरंत मेरा डायरेक्शन चेंज कर लिया, और उसके बाद एनिमी जैसे फायर किया मैं तुरंत निकला और उसको हेडशॉट मार दिया। तो देखो, जैसे शिकारी शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, ठीक वैसे ही आपको एनिमी के साथ भी ऐसा करना है, और ऐसा करके देखना, एनिमी पूरा कंफ्यूज्ड हो जाएगा। तो ओके, आपको ट्रिक मिल गया। तो अगर आपको हेडशॉट सेटिंग चाहिए तो यह वाला वीडियो को देख सकते हो, इस पर मैंने टॉप 3 हेडशॉट सेटिंग बताया है। तो क्लिक करो, वीडियो देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।